नागिन दिन के आने वाले एपिसोड में अब होगी शिवांगी की धमाकेदार एंट्री। और हमने जैसे कि आपको पहले के वीडियो में कहा था कि करिश्मा तन्ना यानी रूही की एंट्री हुजूर के रूप में होगी और वैसा ही हुआ। और अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मौनी रॉय की एंट्री यानी शिवांगी की धमाकेदार एंट्री होगी। और मौनी रॉय की धमाकेदार एंट्री कैसे होगी और नागिन तीन के सबसे बड़े अंत का राज क्या है और आने वाला एपिसोड में क्या होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दे। आपने जैसे कि नागिन तीन का बहुत पहले का एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि नागिन तीन के एपिसोड में बहुत पहले शिवांगी के स्टार्टिंग में धमाकेदार एंट्री हुई थी और बिचारी शिवांगी को आखिरकार रॉकी ने क्यों मारा था और उसके बाप ने अपनी ही बेटी यानी शिवांगी को आखिरकार क्यों मरवाया था, इसका सबसे बड़ा राज छूट गया था नागिन टू में। और सबसे बड़े राज की बात तो शिवांगी की एंट्री के पीछे ये होगी कि डुप्लीकेट रूही के आ जाने के बाद शेष वंश के नागरानी का पद छीन लेगी डुप्लीकेट रूही और अपने ही शेष वंश को बचाने के लिए और नागमणि की रक्षा करने के लिए आने वाले एपिसोड में शिवांगी की हिला देने वाली एंट्री होगी। और बिचारी बेला, विशाखा एंड विक्रांत अभी के एपिसोड में अकेले पड़ गए हैं और फिर आने वाले एपिसोड में शिवांगी के आ जाने के बाद बेला, विशाखा एंड विक्रांत अकेले नहीं होंगे और ये सारे लोग अपने शेष वंश को यानी दुश्मन के हाथों से बचाएंगे और काफी बड़ी लड़ाइयां होंगी और काफी बड़ी जंग होगी आने वाले एपिसोड में। और खुशखबरी तो ये भी होगी कि आने वाले एपिसोड में बेला प्रूव कर देगी कि वही है असली नागरानी और बेला के यह नागरानी के प्रूव कर देने के बाद नागलोक के सारे नाग डुप्लीकेट रूही एंड सुमित्रा के खिलाफ हो जाएंगे और काफी बेहद बुरी तरीके से वाट लगेगी सुमित्रा की और रूही की। और ये सब देखना आने वाले एपिसोड में काफी दिलचस्प होगा। और नागिन टीम के अंत में शिवांगी की एंट्री होगी या नहीं वो आपके हिसाब से हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।